हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी भाई। देखो, आज हम एडवांस एंट्री को थोड़ा आगे ले चलते हैं और एडवांस एंट्री से पहले हम सीखते हैं। सबने ये कंप्लीट कर लिया, ट्रेड स्कॉन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास के अंदर मैं आपको बेल्टअप बेल्टअप विदो और बैंकिंग ट्रांजेक्शन तक करा दूंगा। और पहले छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करा दूंगा, जैसे बेल्टअप हो गया, बेटर रिकवर हो गया, उसमें एक एक चैरिटी की बना डोनेशन चैरिटी, तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में आपको आगे काम कराता हूँ। तो आज की क्लास के अंदर जो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है वो हम कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन में चलेंगे, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले बेल्टअप की हेडिंग डालेंगे, बेल्टअप के ट्रांजेक्शन। और ये ट्रांजेक्शन होते ही हम अपने बुक के क्वेश्चन में चलेंगे और बुक के क्वेश्चन कम्प्लीट करेंगे और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बुक के नॉर्मली, अगर ये ट्रांजेक्शन आपने कम्प्लीट, ठीक। तो हेड डालेंगे बेटर। बेटर मतलब दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दिया है बेटर मतलब क्या होता है, इसके बारे में लिखवाने की जरूरत नहीं होती। और बेटर रिकवर मतलब भी बताया क्या होता है बेटर। जब भी कोई डेटर, जब भी कोई पर्सन जिस पर्सन ने हमें पैसा देना होता है वो हमारा डेटर होता है। एक पर्सन है ए, उसने हमें पैसा देना है, वो हमारा डेटर है। अब वो पैसा नहीं देता, वो पैसा लेकर भाग जाता है या पैसा मार जाता है, हमारा मर जाता है। तो इस केस के अंदर वो डेटर जिसने पैसा देना था, जब वो उससे हम रिकवर नहीं कर पाते, इसका मतलब इररिकवरेबल है, इसका मतलब इररिकवरेबल है वो डेटर जिसने पैसा देना था पर हमें दिया नहीं, इररिकवरेबल है। तो ऐसे पैसा जो आना था, डेटर का जो पैसा आना था वो नहीं आया, दैट इज कॉल्ड बैड डेट। ये हमारे लिए लॉस होता है। बैड डेट क्या होता है दोस्त? लॉस माना जाता है। जब डेटर हमको पैसा नहीं देता तो हम उसको लॉस मान लेते हैं। मान लो डेटर, सबसे पहले मान लेते हैं मैंने सेल की, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो मैंने एक राम को सेल करी, मैंने एक सेल करी डेटर को, तो मैं जब सेल करूंगा तो मैंने कहा भाई डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर को डेबिट कर दिया और टू सेल अकाउंट कर दिया, ये एंट्री मैंने पास करी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्यों? डेटर मैं मान लेते हैं मिस्टर ए को माल बेचता हूँ उधार पर, तो मेरी सेल होगी, मेरी इनकम क्रेडिट कर दी और मिस्टर ए कौन हो गए, मिस्टर ए डेटर हो, मिस्टर डेटर को डेबिट कर दिया। अब दोस्तों अब मान लेते हैं 10,000 ले लेते हैं उस डेटर से जिसने मैंने जिसको माल बेचा, अब उसने 10,000 नहीं दिया, अब हो गया बैटर, अब हो गया बैटर। बैटर क्या होता है? जब कोई डेटर हमें पैसा नहीं देता या हम उससे रिकवर नहीं कर पाते तो हम क्या मान लेते हैं? बैड डेट मान लेते हैं। बैड डेट का मतलब ये डेटर अब बैड हो चुके हैं, अब ये पैसा नहीं आएगा, बैड डेट, ठीक है। तो वो डेटर, अब मैंने बताओ डेटर को डेबिट क्यों करा था, रीजन क्या है? डेटर को डेबिट इसलिए करा था कि उस डेटर से पैसा लेना था, इसलिए हमारी एसेट मानी थी, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, इसलिए डेटर वाली एसेट होती है, एसेट बढ़ गई थी इसलिए। अब ये पैसा दे ही नहीं रहा, अब जब ये पैसा दे ही नहीं रहा तो क्या अभी मेरे लिए एसेट होगी? मान लो एक पर्सन है जिसने मुझे पैसा देना है 10,000 रुपए, अब वो नहीं दे रहा, क्या मैं एसेट मानता रहा उसको? नहीं सर, एसेट क्या माननी, जब वो पैसा दे ही नहीं रहा अब आपका लॉस हो गया। जब पैसा दे ही नहीं रहा तो एसेट भी कम कर दो, जो एसेट आपने डेटर को बनाया था 10,000 रुपए, आपने डेटर को क्या करा था 10,000 से डेबिट करा था, ये मानकर कि वो 10,000 रुपए मिलेंगे, इसलिए हमारी एसेट मान ली, क्योंकि पैसा आएगा इसलिए हमारी एसेट मान ली, अब वो पैसा नहीं आने वाला, किस बात की एसेट, इसलिए इसको कैंसिल कर देना। और मैंने कहा डेटर अकाउंट को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। अब सुनना है डेटर क्यों क्रेडिट हुआ है, डेटर क्रेडिट होने की वजह इसलिए है क्योंकि पहले मैंने एसेट मानकर डेटर को बढ़ा दिया था, अब एसेट कम हो गई, क्यों? क्योंकि ये डेटर पैसे नहीं देने वाले और इससे क्या हो गया मेरा लॉस हो गया, तो बेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बेटर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। लॉसेस का बढ़ना डेबिट हो जाएगा दोस्तों, लॉस का बढ़ना क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो बेटर अकाउंट डेबिट टू बेटर अकाउंट, बेटर अकाउंट डेबिट टू बेटर अकाउंट हो गया। आया समझ नहीं आया? तो बेटर अकाउंट डेबिट टू बेटर अकाउंट, लॉस और एसेट, लॉस बढ़ गया एसेट कम हो गई, बेटर अकाउंट डेबिट टू बेटर अकाउंट, क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर बेटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्यों हुआ? बेटर डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि लॉस था और डेटर को कम इसलिए करा है कि पहले डेटर से पैसा लेना था, इसलिए हमने एसेट बना दी थी, अब डेटर जब पैसा देगा ही नहीं तो किस बात की एसेट, एसेट को खत्म कर दो, और कैसी बात। लो भाई, ये तो होगी बेटर की एंट्री। अब इस एंट्री का हेडिंग डाल देंगे, इस एंट्री की हेडिंग डालेंगे, पहला केस हो सकता है व्हेन व्हेन नो अमाउंट इज रिकवर फ्रॉम डेटर, व्हेन नो अमाउंट इज रिकवर, नो अमाउंट इज रिकवर, जब कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता डेटर से तो ये एंट्री पास करनी है। When some amount is recovered and some is not recovered, तब क्या एंट्री पास करेंगे? देखना दूसरा एंट्री, When some amount is recovered, when some amount is recovered and some not recovered, मतलब कुछ अमाउंट रिकवर हो गया और कुछ नहीं हुआ, तो तब इस केस के अंदर क्या एंट्री क्या बन गई? मेरे पास सिंपल है,
देखो टैटर तो हमें खत्म करने, मैंने कहा एक टैटर है जिसने हमें पैसे देना है 10,000 रुपए, बोले कहा देखो भाई मैं आपको दे देता हूँ 3,000 रुपए, उससे ज्यादा मुझे पैसा है ही नहीं। तो मान लेते हैं एंट्री क्या होगी, मेरे को कुछ कैश आ जाएगा, कैश का आना डेबिट हो जाएगा और कुछ लॉसेज आएगा, कुछ पैसा आएगा और कुछ नहीं आएगा, बैटअप अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेटर पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि आपको पैसा देगा नहीं। मान लो एक डेटर जिसने मुझे 10,000 रुपए देने थे, तो एसेट का कम होना, पूरा एसेट कम कर दूंगा क्योंकि 10 में से उसने कहा भाई देखो 5 ले लो, 5 नहीं दे पाऊंगा, मेरी हालत नहीं है 5 देने की, मेरी बस की नहीं है, मैं इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब कोई पर्सन अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, जब कोई पर्सन अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए कैपेबल नहीं है वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक, तो बैटअप अकाउंट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बैटअप क्या हमारे लिए लॉस है, लॉस का बढ़ना डेबिट होता है और एसेट का बढ़ना कैश हमारे लिए एसेट, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। मान लेते हैं कि एक पर्सन है जिसने हमें 10,000 रुपए देना है, उसने हमें 4,000 रुपए दिए और 6,000 नहीं दिए, तो 4,000 जो दिए 4,000 यहाँ जाएगा, 6,000 यहाँ जाएगा और 10,000 से पूरा डेटर खत्म हो जाएंगे क्योंकि बोलेंगे 10,000 आना था, 4 आ गया और 6 का नहीं आया, इसलिए 6 को लॉस मान लिया, आया सर में तो कुछ अमाउंट रिकवर होगा कुछ नहीं होगा। देखो इसके भी आपको एग्जाम्पल कराना चाहता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल 5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश। सबसे पहले तो समझे फ्रॉम का मतलब क्या है, फ्रॉम का मतलब है रमेश से लेने थे, टू का मतलब आएगा ना, जो ऐसे लिखा 5,000 ड्यू टू रमेश का मतलब रमेश को देने हैं, फ्रॉम रमेश से लेने हैं, ड्यू टू, टू आएगा तो रमेश को देने हैं, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये बच्चे बहुत यहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं कि फ्रॉम और टू में डिफरेंस क्या है, फ्रॉम का मतलब है रमेश से लेने हैं, टू का मतलब है रमेश को देने हैं, तो ड्यू का मतलब है 5,000 रुपए बाकी है रमेश से लेने हैं, तो 5,000 रुपए रमेश से लेने हैं एंड रमेश वाज इंसॉल्वेंट, रमेश इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसा इन अ रूपी इज रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि 5,000 रमेश से ले लेते और 5,000 जब रमेश से ले लेते तो रमेश क्या हो गया इंसॉल्वेंट हो गया 60 पैसा इन अ रूपी। तो इसका मतलब समझो सर, 60 पैसा इन अ रूपी का मतलब 60 पैसा इन अ रूपी का मतलब क्या होगा, 60 पैसा इन अ रूपी का मतलब होता है 60%, 40 पैसा इन अ रूपी का मतलब होता है 40%, 70 पैसा इन अ रूपी का मतलब होता है 70%। कैसा पता चला, देखो 60 पैसा इन अ रूपी का मतलब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, तो 60 रुपए में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, देखो तो 100 एक ही होगा 1 रुपया, तो 1 रुपए में कितने पैसे रिकवर हुए, मतलब 1 रुपए में कितना रिकवर हुआ 60 रुपए, 60 पैसे रिकवर हुआ, मतलब 1 रुपए में कितने पैसे रिकवर हुए, हर 1 रुपए में 60 पैसा रिकवर होता है, मतलब अगर उसकी स्टेट को बेचकर, ध्यान सुनो इसका मतलब समझो, आज बहुत ज्यादा आता है, इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं उसके बाद 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए उसका रिकवर हुआ स्टेट, मतलब होता है प्रॉपर्टी, स्टेट मतलब क्या होता है दोस्त प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी में को बेचकर 10,000 रुपए मिले, अब 10,000 में से 1 रुपए में 60 पैसा मेरे को मिल जाएगा वापसी, और उस इस मतलब ये 5,000 जिससे लेने थे इस 5,000 में से 10,000 में से इस 5,000 रुपए में से मुझे हर 1 रुपए के अंदर 60 रुपए मिल जाएंगे और 40 रुपए का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर एक रुपए में 60 पैसा मिल जाएगा और 40 पैसे का लॉस हो जाएगा, मतलब 100 पैसा है तो 100 × 60 क्या बन गया 60% बन गया, आया समझ में। तो अगर पहले लिखा होगा 60 पैसा इन रूपी तो क्या समझना है 60% समझना है, 70 पैसा इन रूपी का मतलब क्या होगा 70%, देखो 60 × 100 क्या होगा परसेंटेज तो होता है 100 पैसा, 1 रुपए में 100 पैसा होगा तो 100 हर 100 पैसे में 1 60 पैसा मिलेगा, 40 पैसा का लॉस हो जाएगा, तो 60% पैसा रिकवर हो गया और 40% पैसा रिकवर होगा। अब एंट्री बताऊँ क्या होगा, रमेश कौन था हमारा डेटर था, रमेश कौन था डेटर, तो एंट्री कहूंगा रमेश को कर दूंगा कैंसिल, रमेश को क्या कर दूंगा रमेश को क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि रमेश हमारा डेटर था, हमारी एसेट थी, अब वो पैसा नहीं आने वाला, 7% आ जाएगा तो जो पैसा आ जाएगा उसको क्या दूंगा कैश अकाउंट डेबिट, 7% पैसा आ जाएगा कैश डेबिट और जो नहीं आएगा उसको बोल दूंगा बैटअप अकाउंट डेबिट, आया समझ में। तो यहाँ पर 60% आ गया पैसा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये 60% कितना हो गया मेरे भाई 3,000 रुपए, 5,000 का 60% पैसा रिकवर हो गया है और 2,000 रुपए रिकवर नहीं हुआ, 5,000 से पूरा डेटर कैंसिल, क्लियर है या नहीं है, तो कुछ पैसा रिकवर हो गया कुछ पैसा नहीं रिकवर, तो मुझे बताना था कि 60 पैसा एक रुपये को क्या कहा जाता है 60% कहा जाता है, 70 पैसा एक रुपये को 70%, 50 पैसा एक रुपये को 50%, क्योंकि 50/100 हो जाएगा, 1 रुपये में 100 पैसा होगा।
क्लियर है सर? समझ में आ गई एंट्री बैटअप की? अगली एंट्री करेंगे बैटअप रिकवर की। मान लेते हैं रमेश बड़े दिनों बाद आया और रमेश ने कहा कि भाई देखो मैं उस टाइम दे नहीं पाया था और उस टाइम मैं दे नहीं पाया था इस वजह से अब मैं देना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि एक पर्सन है ए जिसने मुझे 10,000 रुपए देने थे, जिसने उसको 10,000 रुपए देने थे। हमने कहा भाई दे दो पैसे दे दो, हम बहुत बोलते गए उससे। हमने कहा भाई देखो अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं, टालता गया टालता गया। मुझे लगा कि अभी पैसा नहीं देगा, अभी पैसा नहीं देगा और मैंने उसको बैटअप मानकर लॉस मान लिया। बैटअप की एंट्री पास करते आप लॉस मान लेते हो, ये बात ध्यान रखना। जैसे आपने बैटअप की एंट्री पास करी, जैसे आपने एंट्री पास करी बैटअप की, वैसे आपने लॉस ट्रीट कर लिया, कहा अब नहीं होने वाला पैसा और डेटर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कहा कि आप डेटर से पैसा नहीं आने वाला, डेटर को कैंसिल करो अपनी बुक्स अकाउंट से और लॉस मानो भाई, कुछ नहीं हुआ। अब उस टाइम पर मिस्टर एआई कहा कि देखो भाई उस टाइम पैसा नहीं था, इस वजह से मेरा मन था देने का, मैं देना चाहता था पर पैसे ना होने के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण मैं दे नहीं पाया। और मैं ईमानदार हूँ भाई, ये लो आपके पैसे, अब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई, ये लो आपके पैसे। अब तो अब मैंने मिस्टर ए से पैसे लेता 10,000 रुपए, मिस्टर ए पैसे नहीं दे रहा था तो मेरे को लगा नहीं देगा आगे भी, तो मैंने लॉस मान लिया मिस्टर ए को और हमेशा अपनी दूसरा अकाउंट से कैंसिल कर दिया। एंट्री बात करती बैटअप अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, डेटर को खत्म कर दिया, मिस्टर ए को खत्म कर दिया और बैटअप को लॉस मान लिया। अब 4-5 साल बाद मिस्टर ए आया, कह रहा है भाई 10,000 रुपए देने थे आपके, मैं ईमानदार था, मेरे पैसे नहीं थे इस वजह से नहीं दिया, ये लो। अब हो गया बैटअप, जो बैटअप मान लिया था अब वो मुझे रिकवर हो गया दोस्तों, जो बैटअप मान लिया था अब वो मुझे रिकवर हो गया था। तो इसका मतलब यह है कि जो आप बैटअप मानोगे ये आपके लिए माने क्या होता है, लॉसेस होता है। क्या होता है बैटअप? लॉस होता है। तो जो लॉस मान लिया था, मुझे लगा मिस्टर ए पैसा नहीं देंगे और मिस्टर ए ने, मैंने अपनी बुक्स अकाउंट मिस्टर ए को हटा दिया और बैटअप मानकर पूरा का पूरा सोच लिया कि मेरा लॉस, मेरा पैसा डूब गया, लॉस मान लिया। अब मिस्टर ए आए एक दिन 5,000, मिस्टर ए कह रहे हैं लो भाई 10,000 पकड़ो अपने, जो मैंने देने थे वो दे दिया। अब जो बैड डेब्ट मैंने मान लिया था वो अब रिकवर हो गया, इसलिए नाम पड़ गया बैड डेब्ट रिकवर। वो बैड डेब्ट जो लॉस मान लिया था, वो बैड डेब्ट का लॉस जो मान लिया था, एंट्री पास कर दी थी और मिस्टर को कैंसिल कर दिया था अपनी बुक्स अकाउंट से, अब वो रिकवर हो गया। तो अब क्या करूं, अब इसको इनकम मान लो। मैंने कहा ना सही करने के लिए क्या, जो लॉस आपने गलती से मान लिया था अब उसको ठीक करने के लिए क्या कर लो, इनकम मान लो। और जो लॉस जो आपने इनकम मान ली थी गलती, उसको ठीक करने के लिए लॉस मान लो। तभी तो अपोजिट इफेक्ट खत्म हो जाएगा भाई। एक चीज बढ़ा दी अब इसको कम नहीं कर सकता, समझना मैं क्या कहूंगा। एक चीज को मैंने बढ़ाया बढ़ाया, अब मेरे पावर अब इसको कैंसिल करके कम कर दू, ठीक है। दूसरी चीज भी इसी को लिया वो बराबर हो जाएगा, मुझे डेबिट क्रेडिट बराबर करना है ना। तो एक चीज अगर बढ़ा दी, लॉस बढ़ा दिया, तो इनकम भी बढ़ा दो, खत्म हो जाएगा इफेक्ट। मैंने कहा देखो ध्यान सुनना, मेरे खर्चा होता है 5,000 रुपए का और मेरी इनकम होती है 10,000 रुपए, तो मैं कितना कमाता हूँ, मैं कितना कमाता हूँ 5,000 रुपए कमा लेता हूँ, ये मेरे एक्सपेंस है मान लेते हैं, ये इनकम है। अब मैंने क्या करा, लॉस को 2,000 रुपए बढ़ा दिया, लॉस को 2,000 रुपए बढ़ा दिया, तो इनकम भी 2,000 बढ़ा दो, इफेक्ट तो खत्म हो जाएगा ना 2,000 से 2,000। समझ में आ रहा है क्या नहीं हो सकता हूँ कि मतलब मेरी इनकम अगर 10,000 रुपए है और मैं 5,000 का खर्चा करता हूँ तो मेरी 5,000 इनकम है। मैंने कहा मेरा खर्चा 2,000 से बढ़ गया। अगर आपको खर्चा आपने गलती से 2,000 बढ़ा दिया, आप खर्चे को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि एक बार अगर रिकॉर्डिंग हो गई तो हो गई, उसको रिकॉर्ड उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। जे एक बार अगर आपने रिकॉर्डिंग कर दी तो उसको सिर्फ रेक्टिफाई करा सकता, ठीक करा सकता है, वो कैंसिल नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं मिट होगा, कंप्यूटर में करोगे मिट तो लगोगे। तो आपने कहा 2,000 रुपए यहाँ से क्या करते ना, ऐड कर दो, मतलब आपने बैटअप का और बैटअप मान के आपने लॉस मान लिया। आपको लगा आप 10,000 में से 5,000 का खर्चा हुआ, 2,000 का लॉस होगा, तो कितने बचे, 3,000 बच गए, 10,000 में से 7 गए तो 3 बचे। मैंने कहा आप क्या करूँ, ये 2,000 का हमें को काट नहीं सकता, मैंने कहा 2,000 और इनकम में बढ़ा दूँ, तो 2 से 2 कट जाएगा, जितने इनकम उतना खर्चा कैंसिल हो जाए और ऑटोमेटिकली पास जाए। तो मैंने कहा क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने गलती से कोई लॉस मान लिया उसको ठीक करना तो आप उसकी इनकम मान लो, तो लॉस इतने का इनकम उतने की ऑटोमेटिकली 95 हो जाएगा क्या। इसलिए कहा बैटअप रिकॉर्ड क्या होगा, बैटअप रिकॉर्ड होता है वो बैटअप जो आप अपने बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर चुके हो, मान चुके हो लॉस को, अब वो आगे जाकर मान लेते हैं रिकवर हो जाता है, तो उसको हम बैटअप रिकवर कहते हैं, उसको इनकम ट्रीट करते हैं। तो बताओ मिस्टर ए आए मेरे पास और मिस्टर ए ने कहा भाई 10,000 रुपए देने हैं आपको, तो 10,000 में मुझे पकड़ा दी, तो मुझे कितना पकड़ा, 10,000 पकड़ा, ठीक है। मेरे पास 10,000 आती, मैंने कहा कैश अकाउंट डेबिट, कैश क्लियर कर दिया मेरे दोस्त, डेबिट कर दिया 10,000 आती, ठीक 10,000 आते कैश क्लियर कर दिया डेबिट। क्यों, क्योंकि जब बैटअप रिकवर होगा तो अगला बंदा आके मुझे क्या देगा, पैसे देगा, अगला बंदा आके मुझे क्या देगा, पैसे देगा। और डेटर तो कैंसिल कर दिया थे, अब सुनो मेरी बात, मिस्टर ए तो मेरी बुक्स अकाउंट में कोई है ही नहीं, क्योंकि मिस्टर ए को डेटर मानते बाद कैंसिल नहीं कर दिया था डेटर पूरा पूरा, अब बुक्स अकाउंट में है ही नहीं। अब क्या करूं मैं, अब ये करना पड़ेगा कि मुझे डेटर रिकवर को इनकम माननी पड़ेगी। दोस्तों सुनना ध्यान से, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, डेटर रिकवर को, अब मैं डेटर से साथ यानी को, डेटर तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है मेरी बुक्स अकाउंट में, मिस्टर ए अब कोई मेरे बुक्स अकाउंट में मिस्टर ए नाम का कोई पर्सन है ही नहीं, डेटर है ही नहीं वो, तो अब क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैंने बैटअप माना था तो डेटर पूरे पूरे कैंसिल कर दिया, तो प्रॉब्लम एंट्री के अंदर बैटअप डेटर को खत्म करा था।
अब वो पैसे दे दिया तो अब मैं यार इनकम मानकर कैड कर दूंगा। यहाँ पर बैड डेट रिकवर के केस के अंदर हमेशा याद रखना, बैड डेट रिकवर के केस के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखना कि डेटर नाम नहीं आता, हम दोबारा डेटर क्रिएट नहीं करते, हम सीधा इनकम मानते हैं और पैसा इससे पहले, तो बस ये होता है आई बैड डेट रिकवर के एंड के समय। तो अगर कोई बैड डेट हो जाता है और वो रिकवर हो जाता है तो पैसा ले लो आगे पैसा रिकवर होने पे और बैड डेट रिकवर को इनकम मान लो, डेटर दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे, डेटर कैंसिल हो चुके ऑलरेडी, डेटर ऑलरेडी कैंसिल कर चुका मेरे भाई, कैंसिल क्रेडिट कर। क्लियर है बैटर रिकवर के एंटीसन माइन? ओके सर सही समझ में आ गई। लो भाई इसका एग्जांपल करा लेते हैं, कैश रिसीव्ड फॉर अ बैटर लास्ट ईयर राइट ऑफ, कैश रिसीव फॉर अ बैटर रिटर्न ऑफ राइट ऑफ लास्ट ईयर, राइट ऑफ लास्ट ईयर। आपने लॉस मान लिया, लॉस का मानना राइट ऑफ मतलब होता है, आगे जाकर बहुत यूज होगा, लॉस का मानना है, खर्चे का मानना है, राइट ऑफ रिटर्न ऑफ कहते हैं। जब हम लॉस मान लेते हैं कब मानते हैं, जब लॉस तब माना जाता है जब अपने एंट्री पास कर दी होती है, तो लॉस का मानना रिटर्न ऑफ कहते हैं। तो बेटर भी पिछले साल मान लेता, अब मुझे कैसे सिद्ध हो गया 700, तो ये क्या हो गया बेटर रिकवर, पिछले साल जो बेटर माना था वो अगले साल जाकर क्या हो गया रिकवर हो गया। एंट्री क्या पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया और टू बेटर रिकवर, टू बेटर रिकवर 7,000 और 7,000। गुड्स दो वजह से कम होते हैं, गुड्स दो वजह से कम होते हैं, गुड्स दो वजह से कम होते हैं बिजनेस के अंदर, गुड्स दो वजह से कम होते हैं बिजनेस के अंदर, गुड्स दो वजह से कम होते हैं बिजनेस के अंदर। पहला ये डायग्राम आपको बिल्कुल ध्यान रखना, आगे इस एंट्री का बहुत यूज है, इनकी ट्रांजेक्शन का बहुत ही ज्यादा यूज होगा। गुड्स दो वजह से कम होते हैं, पहला सेल करने से, अगर मैं मार्केट में माल बेच दूंगा तो मेरे गुड्स कम हो जाएंगे, और अदर देन सेल करने से और सेल के अलावा भी गुड्स कम होते हैं अदर देन सेल, अदर देन सेल। ये बात हमेशा ध्यान रखना, दो वजह से गुड्स कम होते हैं, एक तो आपने माल बेच दिया तो गुड्स कम हो जाएंगे आपकी फैक्ट्री के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर, और अगर आपने माल नहीं बेचा तो दूसरी वजह क्या है जिससे गुड्स कम हो जाते हैं, जरा ध्यान रखना। देखो गुड्स अगर कम हो रहे हैं सेल की वजह से, गुड्स अगर सब कम हो रहे हैं सेल की वजह से, आपने किसी को माल बेच दिया और उसकी वजह से गुड्स सब कम होते हैं, तो हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, किसको करते हैं सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इसको इनकम मानते हैं, क्योंकि हमारे क्या होगी इनकम होगी, क्या होगी मेरी इनकम। सेल अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं भाई, थोड़ा समझ जा रहा हूँ, गुड्स जब भी सेल करने की वजह से कम होते हैं तो हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हम सेल अकाउंट को इसलिए क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमारी ये इनकम मानी जाती है। बट जब गुड्स अदर रीजन की वजह से कम हो जाते हैं, अदर देन सेल की वजह से कम होता है, मतलब सेल को छोड़कर किसी और रीजन की वजह से कम होते हैं, तो फिर परचेज अकाउंट को क्रेडिट करा जाता है, क्या करा जाता है परचेज अकाउंट। पहली बार ऐसा होता है जब परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, अदरवाइज परचेज खर्चा माना जाता है, अदरवाइज क्या माना जाता है परचेज को एक्सपेंस मानकर डेबिट करा जाता है, पहली बार परचेज किसी केस के अंदर क्रेडिट होता है। दोस्तों गुड्स गुड्स दो वजह से कम होते हैं, पहली वजह कि आपने सेल कर दिया, या दूसरी वजह सेल के अलावा कोई अदर रीजन। अब सेल के अलावा क्या अदर रीजन हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, अगर सेल करने की वजह से गुड्स कम हुए तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे,
अगर सेल करने की वजह से नहीं किसी और वजह से गुड्स कम हुए तो परचेज जो डेबिट कर देता उसको कैंसिल करके परचेज को क्रेडिट कर देंगे। एज हमने गुड्स खरीदते टाइम एंट्री क्या पास करेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर क्रेडिटर, परचेज करा था खर्चा हुआ था और या तो कैश गया होगा या उधार पर खरीदा होगा तो उसका नाम आया होगा, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करता गुड्स खरीदते टाइम। अब जब गुड्स सेल कर रहे हो तो सेल आ जाएगा, अगर सेल नहीं कर रहे किसी और वजह से गुड्स कम हो रहे तो परचेज आएगा, सेल तो करेंगे इनकम तो है नहीं फिर भी कुछ कम हो रहा है तो परचेज अकाउंट जो डेबिट करा था उसको कैंसिल कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे दोस्तों। ये अगर बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता हूँ किस वजह से, अदर रीजन क्या है जिससे गुड्स कम हो सकते हैं, जरा ध्यान रखना है। जानेंगे गुड्स गुड्स गिवन एज अ चैरिटी या फिर डोनेशन। मान लेते हैं मेरे दोस्त कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग करता था नेसेसिटी प्रोडक्ट का, नेसेसिटी प्रोडक्ट की मेरी मैन्युफैक्चरिंग। अब नेसेसिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो रोज का खाने पीने का वो होता है। अब मैं एक दिन गया ऐसी जगह पर और मैंने देखा यार वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि भूखे हैं, तो मैंने अपनी कंपनी में से बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए, खाने पीने की चीजें मंगाई और उनको डोनेट कर दिया या एज अ चैरिटी भी, चैरिटी बोल लो या डोनेट बोल लो। अब मुझे बताओ क्या मेरे गुड्स बढ़ गए या कम हुए चैरिटी करने से, सर कम हो गए। आपने गुड्स मान लो आपने बहुत सारे खाने पीने की चीज बच्चों में बांट दी एज अ फ्री, चैरिटी दे दी, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं एनजीओ वगैरह होती है वहां पर आपने उसको दान कर दिया कि हाँ बच्चों के लिए मेरी तरफ से होगा। अब दोस्तों बताओ गुड्स कम हुए नहीं हुए, हाँ सर आपके बिजनेस के अंदर तो गुड्स कम हुए। मान लो मैंने 10,000 रुपए के गुड्स चैरिटी में दे दिए, गुड्स दे दिए, पैसा नहीं दिया गुड्स दिए चैरिटी में, तो क्या 10,000 की वैल्यू के गुड्स कम हुए नहीं हुए, हुए। अब मुझे बताओ सेल है या अदर रीजन है, सर अदर रीजन है। यस अगर आपने सेल करी है तो सेल अकाउंट करेक्ट होगा, पर अगर आपने सेल के अलावा कोई अदर रीजन की वजह से गुड्स कम हुए हैं तो वो अदर रीजन क्या है, हो सकता है कि गुड्स हम चैरिटी में दे दें या हो सकता है गुड्स डोनेट कर दे दोस्तों, हो सकता है कि गुड्स चैरिटी में दे दिया, हो सकता है गुड्स डोनेट कर दे, इसलिए क्या होगी एंट्री, इसलिए क्या एंट्री पास करेंगे, इसलिए कहेंगे भैया चैरिटी चैरिटी अकाउंट डेबिट चैरिटी या फिर डोनेटेड अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्यों करेंगे डेबिट, क्योंकि इसको हम खर्चा मानेंगे या फिर हम उसको लॉसेस मान सकते हैं, या फिर हम उसको क्या मान सकते हैं, खर्चा या फिर लॉस मान सकते हैं, क्योंकि लॉसेस का बढ़ना खर्चे का बढ़ना सारा क्या होता है डेबिट होता है। चैरिटी दे रहा हूँ यार मेरे गुड़ से जा रहे हैं मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बगले में जा रहा है पर आ कुछ नहीं रहा, इसका मतलब क्या लॉस ही तो हो गया, खर्चा ही तो हो गया, जो पैसा खर्च करा था जेब में उसके उसके बदले में इनकम नहीं आई, बस गुड़ जा रहे हैं कुछ आ नहीं रहा बदले में, तो लॉस मान लिया। और सर टू क्या सेल अकाउंट करूं, क्या मेरी सेल हुई है, नहीं सेल नहीं हुई तब भी क्या हुआ गुड्स कम हुए, सेल नहीं ले सकता क्यों, क्योंकि सेल इनकम होती है, मैंने गुड्स डोनेट करे पर बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए करने के लिए क्या करते हैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है और कहते हैं देखो जो परचेज आपने डेबिट करा था खरीदते टाइम अब उसको भेजते टाइम क्रेडिट कर दो, बस जब आ रहा था तो परचेज डेबिट करा था अब जा रहा है तो परचेज क्रेडिट कर देना, पर अदर देन सेल होना चाहिए, सेल के केस के अंदर सेल क्रेडिट होगा क्योंकि इसको इनकम मानते हैं, बट इसके अंदर कोई इनकम होती नहीं। अब क्या करा जाए, तो आप कहना जो परचेज जब गुड्स खरीदे थे तब बिजनेस के अंदर परचेज को डेबिट करा था, अब जब गुड्स जा रहे हैं डेबिट वर्ड्स कम नहीं हो रहा था तो डेबिट करा था, अब क्रेडिट वर्ड गोज आउट हो जाएगा तो क्रेडिट कर दूंगा परचेज को, आया सर में। तो एक बात ध्यान रखिए अगर सेल होती है गुड्स के कम होने की वजह सेल है तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर गुड्स के कम होने की वजह अदर देन सेल है तो फिर परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, आगे जाकर आपको पता चलेगा जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, ठीक। तो ये एंट्री पास होगी, खत्म हो गया प्रश्न, ठीक। देखेंगे इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ सैंपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ सैंपल। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि मान लेते हैं मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, नया प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट बनाया है, और मेनली जो ये सैंपल में दिया जाता है ये दिया जाता है फार्मेसी कंपनी को, तो जो दवाइयां बनाती है। मान लो एक कंपनी है मेरी दवाई बनाने की और मैंने एक नई कंपनी में दवाई बनाना चालू करा और मैंने एक नई दवाई बनाई और मैं चाहता हूँ मार्केट में सर्कुलेट हो दवाई, तो मैंने अलग अलग कैंप लाकर एज अ सैंपल एक प्रोडक्ट दे दिया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये दवाई जो है ये सर दर्द की दवाई है
ओरिजिन मान लेते हैं या फिर आप मान लेते डिस्प्रिंग मान लेते हैं, डिस्प्रिंग बहुत चलती है, तो डिस्प्रिंग आई मान लेते हैं नई नई दवाई मार्केट के अंदर। तो जब भी मार्केट में नई नई आई थी तो जो वो होते क्या है, जो आपके पास केमिस्ट वाले होते हैं उनको कंपनी सैंपल देती थी, क्या ये लोग सैंपल ले लो, 5 पैकेट 10 पैकेट दे रही थी सैंपल के तौर पर हर एक जगह पूरे इंडिया के अंदर सर्कुलेट करती थी वो दवाई। बहुत लॉस होता है इसके अंदर कंपनी को, क्यों, क्योंकि कंपनी क्या करती है पैसे नहीं लेती, एज अ सैंपल प्रोवाइड करती है और केमिस्ट वाले से कहती है कि केमिस्ट भाई आप ऐसा करना इस प्रोडक्ट को जब भी कोई सर दर्द या कोई गोली मांगे तो आप डिस्प्रिंग पकड़ाना, ठीक है। अगर ये बिक जाती है और रिस्पॉन्स सुनना इसका कि भाई सर दर्द या नहीं हो रहा, तो रिस्पॉन्स देखना कैसा आ रहा है, फीडबैक लेना सबका, और ये देखना कि इससे वाकई में ठीक हो रहे पर्सन, वाकई में सर दर्द खत्म हो रहा है, मैंने कहा ठीक है भाई ऐसा कर लेंगे। अब कोई भी कस्टमर आता है कहता है सर दर्द हो रहा है सर दवाई चाहिए, तो डिस्प्रिंग बना देता है, डिस्प्रिंग की गोली दे देता है। ऐसे क्या होता है कंपनी क्या करती है एज एन एडवर्टाइजमेंट भी कर लेती है अपनी, क्या करती है कहती है भाई डिस्प्रिंग चल रही है, अब सबके पास जब भी सर दर्द होगा तो लोग कहेंगे भाई डिस्प्रिंग ले लो जाकर, तो क्या करा कंपनी ने एडवर्टाइज करा, कंपनी ने एज ए सैंपल दिया। पहले सैंपल क्यों बोलते थे हम ध्यान दें, आप केमिस्ट वाले हो, आप केमिस्ट वाले हो, मैं कंपनी हूँ, मैंने आपसे बोला पहले भाई ये 100 पैकेट है ये लोगों को बांटो, ठीक है, आप इसके बदले पैसे मत देना, आप लोगों से पैसे ले लो, आप लोगों को बेचो। देखो अगर आपको पैसा नहीं देने पड़ रहा, आपको पैसा मुझे नहीं देना पड़ रहा, मैंने आपको 100 पैकेट दवाई के दिए और आपको उसके बदले मुझे कुछ पैसा नहीं देना क्योंकि मैंने ऐसा सैंपल दिया, मैंने कहा सैंपल तरीके से यूज करो, आपने बाहर मार्केट में क्या करोगे और दवाई सर की बेचोगे मेरी वाली बेचोगे, सर मेरी वाली बेचोगे क्यों, क्योंकि इसमें आपको बहुत फायदा है, डबल का फायदा है, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ नहीं गया और जो भी कस्टमर को बोलो जो भी आएगा वो आपकी इनकम हो जाएगी, तो आप ही बेचोगे, इसलिए क्या होगी एडवर्टाइजमेंट होगी और लोगों के पास जा सकता क्या जाएगा डिस्प्लिंग जाएगी, सलम आ रहा है। तो इसलिए जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो हर एक दुकान पे जाकर उस प्रोडक्ट की जो भी दुकान होगी उस दुकान पे जाकर रिटेल शॉप में जाकर वहां पर उस प्रोडक्ट को सैंपल के तौर पर दे देगी और उस दुकानदार से कहेगी रिटेलर से कहेगी कि जा भाई जब भी कोई मांगना है तो मेरा प्रोडक्ट दे देना और जो भी इनकम होगी वो तुम रख लेना, हमें मत देना, हमारे लिए लॉस हो जाता है क्योंकि हम एज एडवर्टाइजमेंट भी इसको यूज करते हैं। तो सैंपल में अगर गुड्स हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में कोई पैसा नहीं लेते और इससे हमारे गुड्स कम जाते हैं। देखो भाई मान लो फार्मेसी कंपनी के अंदर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग करी डिस्प्लिंग की और इंडिया में बांटने के लिए आपने 1,00,000 पैकेट मैन्युफैक्चरिंग कर दी इंडिया में बांटने के लिए एज सैंपल। अब 1,00,000 पैकेट तो गए, खर्चा तो हुआ मैन्युफैक्चरिंग करने में या परचेस करने में खर्चा तो हुआ, पर 1,00,000 पैकेट गए उसके बदले में कुछ नहीं आया, एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से भी इसको करा जाता है, क्यों कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगी तो ज्यादा से लोगों को पता चलेगा कि भाई ये नई दवाई आई है और इससे सर दर्द ठीक हो रहा है, सर मारा है, तो एज अ सैंपल बोलते हैं। तो कंपनी क्या करती है जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो अपने गुड्स को मार्केट में लोगों के पास पहुंचाने के लिए एज अ सैंपल यूज करती है और लोगों को पहुंचाती है, रिटेलर को देती है, रिटेलर भले ही पैसे लेते हैं आपसे पर वो एज अ सैंपल आपको रिटेलर फ्री में दे दिया जाता है, रिटेलर को फ्री में देती है कंपनी। तो इस केस के अंदर बताओ गुड्स कम हुए नहीं हुए, हाँ सर इस केस के अंदर भी गुड्स कम हुए पर गुड्स सेल की वजह से कम नहीं हुआ, अदर देन सेल है। तो मैंने कहा आप क्या करूं, मैंने कहा देखो सैंपल लिख लो, सैंपल लिख लो, सैंपल या एडवर्टाइजमेंट लिख लो, क्योंकि जब सैंपल में देते हैं इसका पर्पस ही एडवर्टाइजमेंट करना होता है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ये भी लिख क्या हो जाएगा लॉसेज या खर्चा मान सकते हो, लॉस मान लो या एक्सपेंस मान लो, कुछ भी मान लो डेबिट होगा, क्यों ये सारे लॉसेज और खर्चे क्या होते हैं डेबिट होते हैं। और टू क्या मैं सेल कम करूं, क्या मेरे गुड्स कम हुए, हाँ गुड्स तो कम हुए पर अदर देन सेल है, और अदर देन सेल होगा तो क्या करोगे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करा जाएगा। मुझे तो सिखाना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से गुड्स तो कम हो जाते हैं पर सेल नहीं करी होती, सेल करने का मतलब है गुड्स कम हुए पर इनकम भी हुई, अदर देन सेल का मतलब क्या है गुड्स कम हुए पर कोई भी इनकम नहीं हुई, एज अ सैंपल एज अ चैरिटी हमने प्रोवाइड कर दिया। आई बात समझ में आया, क्लियर या नहीं है दोस्तों। अगली ट्रांजेक्शन, अगली ट्रांजेक्शन गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, कौन होता है प्रोप्राइटर, ओनर, ओनर होता है बिजनेस का, ओनर फॉर पर्सनल यूज, फॉर शायद ये एंटी मैंने लिखवाई थी कोई बात नहीं, फॉर पर्सनल यूज आगे मन में तो करा दी, आगे जाकर ना भाई आगे जाकर एक चैप्टर मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और वहां पर सारी एंट्री दोबारा होगी, वहां पर सारी एंट्री दोबारा होगी और दोबारा वहां पर यही बात दोबारा समझाऊंगा, क्यों एक बार में नहीं समझ मानता, दोबारा समझेंगे और वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपर्ट समझेंगे, यहाँ पर तो जनरल एंट्री के एक्सपर्ट समझ रहे, सिर्फ जनरल एंट्री सीखे, वहां पर पीएनएल अकाउंट के एक्सपर्ट सीखे, ठीक है, और ये सेम एंट्री दोबारा वहां पर सीखेंगे। चलो तो डबल एंट्री कर जाता है आप, तो गुड्स टेकर मैं प्रोप्राइटर फॉर ऑनर या फॉर पर्सनल यूज, क्या मतलब मान लो आप मेरी कंपनी हूँ और मेरे बिजनेस हूँ और मेरे बिजनेस के ऑनर आप हूँ, आप मेरे घर पर
मतलब उसमें आते हो और मेरे बिजनेस में आते हो, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, आप अपने घर के लिए मेरे से फर्नीचर ले जाते हो, मैं तो बिल्डिंग हूँ, ठीक है, आप ओनर अपने बिजनेस से फर्नीचर, ओनर को आते हो अपनी मर्जी जो कर सकता है वो अपने बिजनेस से फर्नीचर ले जा सकता है, ले जा सकता है। अब क्या हुआ, बिजनेस की कुछ तो कम है क्योंकि बिजनेस अलग है ओनर अलग है, भाई अकाउंटेंसी के अंदर बिजनेस अलग ओनर, हम तो मान के चलेंगे भाई बिजनेस के अंदर से पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग, क्या बोलते हैं ड्राइंग, पर इस बार कैश नहीं ले रहा है, इस बार क्या ले रहा है, गुड्स ले रहा है, अगर कैश ले जाता तो एंट्री पास करता ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश कम हुआ और ड्रॉइंग बढ़ गया, ड्रॉइंग को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं क्योंकि इससे मेरी लायबिलिटी कम हो जाती है, लायबिलिटी कम करना डेबिट, और ड्रॉइंग्स ले जाने की वजह से अगर गुड्स कम होते तो गुड्स कम कर दूंगा, सिंपल है, अगर मेरा कैश कम होता तो कैश क्रेडिट कर दूंगा, ड्रॉइंग तो देखो डेबिट होगा ही होगा दोनों ही केस के अंदर, चाहे गुड्स ले जाए चाहे कैश ले जाए, क्योंकि ड्रॉइंग समझना डेबिट होता है क्योंकि ड्रॉइंग की वजह ये होती है कि लायबिलिटी को रिड्यूस कर देता है मेरी, और टू टू अगर कैश कम हो जाता, अगर कैश ले जाता तो कैश क्रेडिट हो जाता, अगर कैश ले गया तो गुड्स ले गया तो क्या करेंगे, सेल या परचेस, सब परचेस क्योंकि अदर देन सेल है, सेल तो ना करिए, गुड्स तो ले गया है वो, उसका उसी का तो बिजनेस है, अपने मान लो आपका खुद का एक बिजनेस है, आपके खुद का फर्नीचर का बिजनेस है, आपने फर्नीचर के बिजनेस बना के खुद भी ले सकते हैं, अपने घर पर रखने के लिए ले सकते हैं, क्या आप बाहर किस बाहर से आगे खरीदोगे, अपनी कंपनी से ले लोगे फर्नीचर, अपनी कंपनी से लेंगे तो पर्सनल के लिए ले गया तो उसके लिए क्या होगा, सब परचेस कम हो जाती है और प्राइस बढ़ जाता है, और ये हमेशा कॉस्ट प्राइस से होता है दोस्तों, किससे होता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से क्यों कह रहा होता है, क्योंकि मुझे बताओ मार्केट में आप एक फर्नीचर बनाकर, आपका बिजनेस है, आप ओनर हो, मार्केट में आप फर्नीचर बनाकर बेचते हो, मतलब कॉस्ट आपकी 10,000 रुपए है और बेचते हो 15,000 का है, तो आप जब घर ले जाओगे तो 15 का ले जाओगे 10 का ले जाओगे, आपकी दुकान है, क्या आप कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाओगे ना, चलो कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाओगे प्रॉफिट आपकी जमीन तो आए प्रॉफिट, आप अपनी कहोगे कि नहीं मैं अपने आप को 15 दूंगा, ये तो पागल बनती होगी ना, आप अपने घर ले जाओ आपकी दुकान है भाई, कॉस्ट प्राइस ले जाएंगे जितने कपड़ा उतने में ले जाएंगे, हाँ कॉस्ट प्राइस से कम में ले जाएंगे, कॉस्ट प्राइस एटलीस्ट चार्ज करेंगे कस्टमर से, अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, अकाउंट अकाउंट बनाते टाइम कस्टमर से कहूंगा भाई 10,000 का ले गया था ना 15,000 का बाद आपके मिलते हैं, पर कॉस्ट टू कॉस्ट चार्ज करेंगे 10,000 कैपिटल से रिड्यूस कर देंगे, सिर्फ 10,000 कैपिटल से रिड्यूस करेंगे 15,000 नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम गुड्स ऑनर ले आते हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं, कॉस्ट प्राइस ले आते हैं, ठीक, अगले एंट्री करते हैं, ये छोटी छोटी एंट्री जो मैं आपको पहले करा दे रहा हूँ, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बड़ी सिंपल है, अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बड़ी सिंपल एंट्री, मैंने आपने लैंड खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने कोई एसेट खरीदी, फिक्स्ड एसेट लैंड बिल्डिंग, ठीक है, आपने किसी गुडविल खरीदी, फिक्स्ड एसेट के अंदर टेंजिबल एंड टेंजिबल दोनों आती है आपने, तो मान लो पहली एंट्री का क्रॉस करता हूँ, ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर मैं फिक्स्ड एसेट खरीदता हूँ तो एंट्री क्या होती है, ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो भैया फिक्स्ड एसेट खरीदते टाइम आप एंट्री जो पास करेंगे, फिक्स्ड एसेट खरीदते टाइम आप परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक बार हमेशा बताया था परचेज और सेल वर्ड का यूज तब करते हैं जब गुड्स की ट्रांजेक्शन का लेन देन होता है, अगर आप बिल्डिंग खरीद दो तो बिल्डिंग को डेबिट करना, परचेज वर्ड डेबिट नहीं करेंगे, भले ही आपने परचेज करी बिल्डिंग को, परचेज अकाउंट वर्ड तब यूज करते हैं जब गुड्स का खरीदा होता है, अगर आप लैंड खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदो तो उस केस के अंदर प्लांट एंड मशीनरी, तो आपने मान लिया बिल्डिंग खरीदी, आपने लैंड खरीदी, तो मैंने कहा देखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि डेबिट वर्ड्स कम इन, जो आ रहा है डेबिट एसेट का वर्ड ना डेबिट होता है, लैंड एंड बिल्डिंग लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी बताया था प्लांट के बारे में, एक मशीन तो एक मशीनरी होती है, जब बहुत सारी मशीन एक पर्टिकुलर यूनिट निकालते हैं उसको प्लांट कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, और फिक्स एसेट ले लेते हैं, फिक्स एसेट ले लेते हैं कि एंट्री जो होगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू टू, या तो आपने कैश से पेमेंट करी होगी तो कैश देना होगा, अगर कैश से पेमेंट नहीं करी तो आपने आपका क्रेडिटर बन गया होगा तो उसको कहते हैं वेंडर, क्या बोलते हैं वेंडर, जब हम एसेट उधार पर खरीदते हैं तो वेंडर, जब हम गुड्स उधार पर खरीदते हैं तो वो बंदा होता है क्रेडिटर, दोनों में सब ये वेंडर लिख लो या सप्लायर लिख लो, वेंडर लिख लो या फिर सप्लायर, अगर क्रेडिट में खड़ा है, क्रेडिट में खरीदा है, उधार में खरीदा है लैंड बिल्डिंग को, तो वो पर्सन हमारा क्या होता है क्रेडिटर नहीं होता, वो हमारा डेटर वेंडर होता है, वेंडर कौन पर्सन होता है, वेंडर वो पर्सन होता है जब हम किसी से एसेट उधार पर खरीदते हैं और हमें उसको पेमेंट करनी होती है, क्रेडिटर वो पर्सन होता है इसको पेमेंट करनी होती है जब हमने खरीदा था गुड्स उधार पे, अगर मैं किसी पर्सन से गुड्स उधार पे खरीदता हूं तो वो मेरे क्रेडिटर बना होता है, उसको मुझे पेमेंट करनी है, क्रेडिटर क्रेडिटर वर्ड यूज कराया था गुड्स उधार पे खरीदोगे, और वेंडर वर्ड यूज कराया था जब आप एसेट उधार पे खरीदते हो, तो वेंडर या फिर सप्लायर लिख सकते हो, तो सिंपल है, कैश का जाना, ये कैश हो गया, एसेट का होना क्रेडिट, और ये क्या बन गया, ये लायबिलिटी बन गया भाई, लायबिलिटी का बढ़ना भाई, मैं उधार पर अगर खरीदता हूं तो मेरी लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, लायबिलिटी का बढ़ना डेबिट, और यहां पर क्या होगा एसेट्स का बढ़ना,
तो अगर मैं फिक्स एसेट खरीदता हूँ तो मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पर परचेज पर का यूज नहीं होगा, जो एसेट खरीदे उस एसेट को डेबिट करा जाएगा, और अगर कैश पर खरीदे तो कैश क्रेडिट, और अगर कैश नहीं खरीदे उधार पर खरीदे तो वेंडर या फिर जिसका नाम है जिससे खरीदे उसका सप्लायर का नाम। ठीक, अब दूसरी एंट्री अगर पास करें तो ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मान लो मैंने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मैंने बेच दिया, जब खरीदी तो डेबिट करा था क्योंकि एसेट का बढ़ना डेबिट और एसेट का घटना क्रेडिट हो सकता है। तो मैंने कहा भाई सिंपल है कि अगर मैंने कैश में बेची होगी तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर मैंने कैश में बेची होगी तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्या कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, ऑल फिक्स एसेट लिख देता हूँ, बाकी मतलब कौन कौन सा, जैसे कि लैंड गया तो लैंड को क्रेडिट कर दूंगा, या फिर बिल्डिंग गई तो बिल्डिंग को क्रेडिट कर दूंगा, प्लांटर मशीन भी बेची तो प्लांटर मशीन को क्रेडिट कर दूंगा, तो जितनी फिक्स एसेट सारे, तो क्यों एसेट का बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट का, खरीदी की तो एसेट बढ़ गई थी डेबिट करा, जा रही है तो सेल करने में एसेट कम होगी तो क्रेडिट करा, अगर कैश में बेची है तो कैश आया होगा, कैश बढ़ गया होगा, कैश का बढ़ना डेबिट होता है, पर अगर उधार पे बेची है तो क्या होगा, फिर उधार बेची है तो हम उसको बोल सकते हैं परचेजर अकाउंट, क्या बोल सकते हैं परचेजर बोल सकते हैं, या फिर आप बैंकर वर्ड का, आप डेटर वर्ड का यूज कर सकते हैं जिससे हमें पैसा लेना होता है, परचेजर अकाउंट डेबिट, तो ये क्या हो गया एसेट का बढ़ना होता है, ये भी एसेट है हमारे, क्यों एक पर्सन आप परचेस करते हो, वैसे मैंने अपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची पर आपने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मेरी एसेट बन जाएगी क्योंकि मुझे आपसे पैसा लेना है, तो आप मेरे डेटर बन गए, तो डेटर वर्ड का यूज कर रहा है तो गुड्स होता है, पर यहाँ पर डेटर वर्ड के हुए तो यहाँ पर कर सकते हैं एसेट के केस के अंदर कर सकते हैं, और परचेजर वर्ड का यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, और दोस्तों मान लेते हैं 10,000 की एसेट और मैंने 15 की बेच दी, फायदा हो गया, तो ये फायदा क्रेडिट होगा, तो आपको लिखना गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, भाई एसेट बेचकर इनकम या फिर लॉस होगा या नहीं होगा, होगा, अगर मान लेते लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस को डेबिट कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डेबिट कर देंगे, समझ में आ रहा है, इसका एग्जांपल कराऊंगा, मैं इसका एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है, एग्जांपल कराऊंगा तो ये समझ में आएगा, एग्जांपल परचेज अ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 10 lakh एंड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज 15 lakh आफ्टर सम टाइम लैंड एंड बिल्डिंग सेल, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड रुपीज 15 lakh एंड प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड 8 lakh, तो आप पास एंट्री, सबसे पहले तो मैं परचेज की एंट्री पास करूंगा, तो अगर मैं लैंड खरीदता हूं तो मैं एंट्री पास करूंगा, मैं कहूंगा लैंड का आना डेबिट, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दूंगा, और मैंने कैश में खरीदा है मान लेते हैं तो टू कैश अकाउंट मैंने क्रेडिट, ठीक, तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, कैश में टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो 10 lakh का आपने खरीदा, 10 lakh 2 lakh, क्लियर है ये, तो और फिर आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो अगली एंट्री क्या होगी, एक एंट्री में भी मर्ज कर सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनको एक एंट्री की भी मर्ज करा जा सकता है, तो कैसे काम, अभी लिखा तो कैसे मर्ज होता है, ये 15 lakh का और ये 15 lakh रुपए का आपने बोला, अब अगर इन दोनों को एक एंट्री मर्ज करना चाहते हो तो इधर और लगा देता हूँ और कहूंगा देखो आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा डेबिट, फिर आपने प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदा वो भी डेबिट, क्योंकि एसेट का बढ़ा डेबिट होता है, 10 lakh का लैंड, 15 lakh का प्लांट, और टोटल आपके पास कैश कितना गया, टोटल आपके पास कैश गया 15 lakh 25 lakh, ऐसे भी कर सकते हो, तो ये और होगा, ठीक है, तो पहली एंट्री ये पास करती, दूसरी एंट्री ये पास करती, अब मैं बेचने की एंट्री करता हूँ, ये तो खरीदने की एंट्री, अब सेल, ऑन सेल, सेल कैसे क्या होगा, ध्यान से, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग 10 lakh की खरीदी और 15 की बेची, तो 10 lakh की लैंड एंड बिल्डिंग, 15 की बेची, तो 5 lakh का फायदा हो गया, तो बताओ मेरे पे क्या आया, मेरे पे क्या आया कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट सबसे पहले आया डेबिट, और डेबिट कितने से हुआ, मेरे को 15 lakh की बेची, तो 15 lakh कैसा आया होगा मेरे पास, ठीक है, और पर मेरी लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की, सर लैंड एंड बिल्डिंग तो आपके पास सिर्फ 10 lakh की थी, तो जितने की लैंड एंड बिल्डिंग उतने की तो खत्म होगी, आप मेरी बात को समझे सर, लैंड एंड बिल्डिंग कितने से डेबिट करा है 10 lakh से, तो 10 lakh से डेबिट कर दो, 15 से कैसे खत्म हो जाएगी भाई, हाँ 10 lakh की लैंड एंड बिल्डिंग गई और 15 lakh रुपए आए, तो मेरा क्या होगा, फायदा हो गया, फायदा, तो इसको बोलते हैं टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया बेचने 5 lakh का, देखो आ गया ना बराबर, ये होगी क्रेडिट साइड, ये होगी डेबिट साइड,
कौन से एल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी जाएगी। तो मैंने कहा टू प्लांट एंड मशीनरी, मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया प्लांट एंड मशीनरी, क्या कर दिया डेबिट कर दिया। और मैंने कहा देखो कैश अकाउंट डेबिट, अब प्लांट एंड मशीनरी थी 15 लाख की, बेची है 8 लाख की, तो मेरे को कैश कितना है 8 लाख, तो 8 और आपके पास 7 लग गए, 8, 16, 18 लग गए, तो 7 लाख आपका क्या हो गया लॉस हो गया। देखो 15 लाख की चीज आपने 8 में बेची तो 7 लाख का लॉस, तो ये लॉस हो जाएगा, नहीं डेबिट, सारे लॉस लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल डेबिट हो जाएगा, आपने बेचने पर लॉस हो जाएगा। क्लियर है नहीं यार, एडमिशन माइंड आई आगे। तो यहाँ पर आपको मैंने, यहाँ पर मैंने परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड भी करा दिया ठीक। इसके बाद कौन सी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है वो देख लेता हूँ। हेलो भाई देखना, अगली ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैंने बताया था पहले भी, देखता हूँ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। एंट्री बता देता हूँ क्या होती है, फिर एग्जाम्पल क्या समझाता हूँ। एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, जिसकी वैल्यू आज 10 लाखों की थी, इस पर डेप्रिसिएशन लग गया एट द रेट 10%, कितने का 10 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ गई, अब लैंड एंड बिल्डिंग बच गई 9 लाख रुपए। अब जब 9 लाख की बोलते हैं इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको बुक में वैल्यू कितनी की होगी 9 लाख। तो मैंने मेरी लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की थी 10 लाख की थी, 10 लाख में लैंड एंड बिल्डिंग कर दी, 1 साल में 10% वैल्यू घट गई, ये मेरे एजम्पशन अमाउंट होता है। डेप्रिसिएशन चैप्टर में सिखाऊंगा बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल ठीक। लैंड एंड बिल्डिंग थी 10 लाख की ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की थी 10 लाख की, मेरा डेप्रिसिएशन लगा, एजम्पशन बेसिस पर होता है डेप्रिसिएशन। हमें मानते हैं कि ऑन एन एवरेज 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए वैल्यू गिर जाएगी लैंड बिल्डिंग, मतलब आप अगर 10 लाख आज मैं अगर लैंड बिल्डिंग खरीदा 10 लाख रुपए की और 1 साल बाद जाकर मैं बेचता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग है दोस्तों, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन लेता हूँ, कंफ्यूज होगा नहीं तो आप, सर लैंड एंड बिल्डिंग की तो वैल्यू कैसे, लैंड की वैल्यू तो बढ़ती है हमेशा, और अकेला लैंड होता तब बढ़ती है, जहां लैंड बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगता है दोस्तों, प्लांट एंड मशीन निकल लेता हूँ कोई बात नहीं, प्लांट एंड मशीन आप तो घटेगी वैल्यू मशीन की, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन की खरीद 10 लाख रुपए की आज, 1 साल बाद जब मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊंगा तो क्या 10 लाख की बिक जाएगी, सर ऑब्वियस सी बात है वैल्यू कहीं ना कहीं कम होगी, तो कितनी वैल्यू कम होगी वो तो 1 साल बाद जाकर पता चलेगा ना, तो मुझे डेप्रिसिएशन साल के शुरू में कैलकुलेट करना पड़ता है कि भैया बताओ 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो मैंने कहा सर 1 साल के अंदर इसकी वैल्यू 10% घट जाएगी, ये अजम्पशन अमाउंट होता है, एस्टिमेट होता है, क्वेश्चन आपको हमेशा बताया जाएगा, तो 1 लाख रुपए अब मुझे बताओ ये डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री पास होगी, ये एंट्री क्या होगी इसकी डेप्रिसिएशन, तो मुझे बताओ आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशन लगने से एसेट की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई, सर कम हो गई। डेप्रिसिएशन लगने से, डेप्रिसिएशन लगना मतलब एसेट की वैल्यू पे डेप्रिशिएट मतलब लॉस होने से, मतलब एक तरीके एसेट की वैल्यू कम हो जाना, डेप्रिसिएशन लगने की वजह क्या है, एसेट की वैल्यू शुरुआत में थी आज मार्केट में उसकी वैल्यू उतनी नहीं है उससे कम हो गई, तो एक बोलते हैं डेप्रिसिएशन लग गया। अब डेप्रिसिएशन लगने से एसेट बढ़ गई कम होगी, सब कम होगी, और डेप्रिसिएशन क्या है मतलब डेप्रिसिएशन लगने से एसेट बढ़ना अच्छा होता है कम होना अच्छा होता है, एसेट का बढ़ना अच्छा होता है और लायबिलिटी का कम होना अच्छा होता है, यही तो बात है। अच्छा पूरा समझ में आता होगा आपको, एसेट जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा है ना हमारे लिए, और लायबिलिटी जितनी कम रहेगी उतना अच्छा है, क्योंकि कर्जा जितना कम रहा उतना अच्छा है, और एसेट जितनी ज्यादा हो मेरे पे प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा होती है अच्छी होती है। अब बताओ किसी डेप्रिसिएशन ने मेरी प्रॉपर्टी को बढ़ा के कम कर दिया, कम कर दिया तो एसेट तो वैल्यू कम हो गई, तो मैंने कहा प्लांट एंड मशीनरी क्या कर दो क्रेडिट कर दो, प्लांट एंड मशीनरी क्या कर दो दोस्त क्रेडिट कर दो, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या हो गई कम हो गई, और कितने से क्रेडिट कर दो 1 लाख से, जितने से कम हुई है 9 लाख से बोली ना, 9 लाख तो बच जाएगी, कम कितने से हुई है 1 लाख से हुई है, और सर क्या करना और कहना डेप्रिसिएशन की वजह से कम हुई है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट को कर देना डेबिट 1 लाख रुपए से, क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है, क्यों भाई मेरी एसेट की वैल्यू कम कर दे रहा है, तो लॉस ही तो है, एसेट की वैल्यू क्या कर देना मेरी कम कर दे रहा है, लॉस है इस वजह से, मेरी एसेट थी 10 लाख की, इसने मेरी 1 लाख रुपए वैल्यू कम कर दी, 1 लाख रुपए क्या हो गया मेरे लिए लॉस हो गया, मेरी एसेट कम हो गई, आई बात समझ में। तो आप देखो ऊपर एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट कौन सी थी प्लांट एंड मशीनरी, जो सी होगी उसका नाम आ जाएगा, क्लियर है या नहीं है। और एक लास्ट एंट्री आज की क्लास का सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस क्या होता है, सुंदरी नहीं है, सुंदरी बीड़ी नहीं है दोस्त, सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे, छोटे मोटे खर्चे को सन्ड्री एक्सपेंस कहते हैं,
लाइक पोस्टेड एक्सपेंस, मतलब फोटो कॉपी का कराना, पेन वगैरह लेना, बिजनेस कहते पेन में तो चाहिए होगा ना, पोस्टेड एक्सपेंस कैलकुलेटर वगैरह, और आपके पास लाइक लाइक आपके पास कन्वेंस कन्वेंस देना, लोग आते जाते हैं तो उनको कहना भाई तुम्हारे काम से यहाँ बिजनेस के काम से कोई पर्सन वहां गया तो उसको कन्वेंस प्रोवाइड करना, पैसे देना उसको, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को होते कन्वेंस, तो ये सब खर्चे जो होते हैं छोटे मोटे उनको होते संडे आज कल। हाँ मुझे बताओ छोटे मोटे खर्चे क्या करते, इन छोटे मोटे खर्चे का क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए भाई, सारे खर्चे डेबिट कर दो और रह चले जाएगा, सिंपल है, कंट्री जमा दो, संडे एक्सपेंस अकाउंट है बेटू, बस एक्सपेंस बता दो कहाँ जाते हैं, मुझे सिंपली बता दो, अब खर्चे हैं चाहे छोटे मोटे चाहे बड़े मोटे, खर्चे तो खर्चा होता है ना सर, तो एक्सपेंस अकाउंट कहाँ जाएगा, एक्सपेंस की वजह से एक्सपेंस हुआ है तो एक्सपेंस को बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ गए और एक्सपेंस से क्या गया मेरा, कैश गया, और ये कभी उधार भी नहीं होता, छोटा मोटा खर्चा कैश में होता और बैंक से भी नहीं होता, 5-10 रुपए की मैं चाय पिला रहा हूँ अपने एम्प्लॉय के स्टाफ को, चाय पिला रहा हूँ तो चाय पिला रहा हूँ, क्या चेक फाड़ कर दूँ क्या भाई, हाँ अब अलग बात है, आजकल फोन पे चल रहा है, चाय वालों के पास फोन पे चल रहा है, वो अलग चीज है, पहले अब ये कैश पहले कैश होता, अब ये बैंक से भी कर सकते हैं, पर इतनी छोटी मोटी ट्रांजेक्शन बैंक से नहीं करते, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया और कैश के और कम हो गए, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है सर, कैश का कम होना, कैश का कम होना, कम होना, छोटे मोटे खर्चे है, छोटे मोटे जैसे कि पोस्ट एक्सपेंस, चाय पाने का खर्चा, कन्वेंस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, ये सब, तो ऐसे खर्चे को बोला जाता है संडरी एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे को क्या नाम है संडरी, संडरी मतलब मिसलिनियस कह सकते हैं इसको, संडरी भी कह सकते हैं और दूसरा एक्सपेंस क्या कहते हैं मिसलिनियस, मिसलिनियस एक्सपेंस भी कहा जा सकता है ना, इसलिए मतलब छोटे मोटे खर्चे को जोड़ दिया सबको इकट्ठा, अलग अलग एंट्री बात नहीं करते भाई, चाय 5 रुपए की चाय अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर 10 रुपए की चाय अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर 5 रुपए की अपने भाई नमकीन चखना, ठीक हाँ मानी चाहिए, ठीक है चलो, तो आपके पास छोटे मोटे खर्चे को हम क्या करते हैं, सारे छोटे मोटे खर्चे एक महीने के लिए इकट्ठा कर देते हैं, टोटल कैश देख लेते हैं, टोटल खर्चे देख लेते हैं, तो उसी के अकाउंट से टोटल एंट्री पास कर देते हैं, मतलब एक महीने के जितना चाय पर खर्चा टोटल कर लो उसका, उससे एंट्री पास, ये है संडे आया समझ में, तो छोटे मोटे खर्चे की हर एक एंट्री पास ही करते हैं, उसको करते हैं एक जो मैच करते हैं, मर्ज कर देते हैं, इकट्ठा जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद अगर जितना भी खर्चा होता है एक एंट्री पास करते हैं, सारे खर्चे की एंट्री एक बार रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग करेंगे तो भाई तो दरकोड़ा खर्चे ये करता रहेंगे, बिजनेस का और काम भी तो करना है भाई, आपने कितने चाय पी, आपने कितनी चाय पी, आपने कितना टाइम इसमें लगा, भाई जितना भी लगा लिखते जाओ, एक बार टोटल कर दो सारा इकट्ठा एक बार में कर दो एंट्री पास, आई समझ में, दैट इज कॉल्ड संडरी एक्सपेंस। और दोस्तों आज क्लास को यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीजें करा दी आपको, करा तो बहुत सारी चीज थी भाई, और उससे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कराया गया मेरा कितना बच गया, मैंने आपको बैटअप कंप्लीट करा दिया भाई, ये हो गया बैटअप हो गया, ये हो गया बैंकिंग ट्रांजेक्शन शुरुआत, इसमें एक ही ट्रांजेक्शन किया तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन से, गुड चैरिटी हो गया, गुड डिस्ट्रीब्यूटर सैंपल हो गया, लॉस बाय, यहाँ पर एक और एंट्री आनी थी, गुड्स टेकन बाय द प्रोमोटर फॉर पर्सनल यूज, देखो यहाँ पर गुड्स ए लिख देना, कहीं पर लिख दो गुड्स या राशि लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तीसरे एंट्री में लिख दो गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, कहीं लिख लो आप भी ओनर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, तो ये एंट्री भी करा दी मैंने, फिर लॉस बाय, अभी ये एंट्री नहीं हुई लॉस, अभी ये ट्रांजेक्शन आएगी, सिक्स्थ रह गया, नाइन्थ रह गया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी करा दिया, ठीक है, एक्सपेंस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, ये अगला आपको करा दूँ बहुत ही छोटा, इसके अंदर थ्योरी लिखवानी है, एंट्री कोई नहीं इसके अंदर, ये रह गया संडे एक्सपेंस करा दिया भाई, अब मेरे क्या रह गए 13, 14, 15, अगला आपको करा दूंगा सारे के सारे 16, 17, तो 17 हो गया भाई, 17 हो गया भाई, 17 हो गया, डेप्रिसिएशन मैंने करा दी, तो मेरी एंट्री क्या रह गई, ध्यान समझना, अब बड़ी बड़ी एंट्री रह गई, पहले ये एंट्री कराऊंगा, अच्छा ये छोटी एंट्री है, ठीक है, चार एंट्री जल्दी खत्म हो जाएगी, उसके बाद उनका मतलब मैं आपको पहले समझा देता, क्लियर कर देता है ना, तो सर मुझे मतलब बताना, मतलब मुझे उसको बताना चाहिए जो मैंने पहले नहीं बताया और अब बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मतलब ऑप्शनिंग एक्सपेंस बताया आपको, वो खर्चा जो पे करना था पर किया नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस जो खर्चा पे नहीं करना था फिर भी कर दिया, तो डिटेल में कराया था क्लास बताइए पूरी पूरी, तो ये चार एंट्री, एक ना कोई एंट्री छोड़े लिखवानी, 5 और 6 7 एंट्री के बाद चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद बुक के क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे, ठीक है भाई, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास मिलते हैं, और अगली क्लास के अंदर मैं आपको और फर्दर एंट्री पास करवाऊंगा, आज क्लास को यही समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।